शायद ये वीडियो देखने के बाद आपके इलेक्ट्रिक स्कूटी से भरोसा ही उठ जाएगा, और शायद तक ओला से तो खासकर। ये गाड़ी आप जो देख रहे हो, पहले आप बोल सकते थे पुरानी जनरेशन है, बट आप डिस्क ब्रेक देख के पता लगा सकते हो कि ये है जेन 2, जिसको निकले हुए अभी 6 महीना भी ढंग से नहीं हुआ है और उसकी कंडीशन ऐसी है। इवन अब तक इतने जेन 2 में आग लगी है, इतना जेन 1 सीरीज में आग नहीं लगी है। एस 1 प्रो जेन 2 तकरीबन आपको 1.5 लाख के ऊपर ऑन रोड पड़ता है, और अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, बट ये जो गाड़ी है वो 3 महीना पुरानी है। उस हिसाब से देखा तो उस टाइम ऑफर नहीं चल रहा था, उस टाइम ये गाड़ी आपको 1,60,000-17,000 अगर आप केयर प्लस प्लान लेते हो तो आपको पड़ती। अब आपका जानना ये जरूरी है कि ये किस वजह से हुआ, कहीं आपके ओला में भी तो नहीं हो सकता है। अब जो भी लोग ओला ले लिए होंगे उनके मन में तो डर आते ही होगा, कभी ना कभी एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सस्पेंशन टूट जाना भी बहुत ही मेजर इशू है चलते गाड़ी में, अगर सस्पेंशन टूट जाता है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और ये तो सबसे ज़्यादा भयानक है कि चलते गाड़ी में आग लगना, धीरे धीरे आग भी लग सकता है, और एक साथ अगर ऐसा आग लग जाए। आप जो ये लपटे देख रहे हैं कोई सिलेंडर फटने का या कोई बॉम्ब का लग रहा है आपको देखने से, बट ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके आँख के सामने, इवन अगर स्कूटी दिखती नहीं तो लोग यकीन नहीं मानते कि ये ओला के साथ भी ऐसा हो सकता है। ओनर ने बताया कि वो लोग जा रहे थे हाईवे में, तभी वहाँ पे किसी ट्रक वाले ने बोला कि गाड़ी में से हल्के हल्के धुएं आ रही। अच्छा वो उन्होंने उतर के देखा, वरना गाड़ी में भी बंद नहीं भी होती, अंदर हीट होते होते बैटरी फटने के चांस 100% बढ़ जाते। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में कि बैटरी इसकी फटी भी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इवन आप थोड़ी सी भी लगकर बैटरी अचानक से फट जाए तो सीट भी टूट सकती है और आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, हीटिंग इंजरी भी हो सकता है, बर्निंग इंजरी भी हो सकता है। इवन ये केस रायपुर में भी हुआ था, जहाँ पे घर पे ओनर तक की हालत ख़राब हो गई थी जलने की वजह से, और पूरी गाड़ी और घर तहस नहस हो गया था। साथ ही में हम ओनर से जानेंगे कि ये कैसे हुआ और आप प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो, जो भी ओला लिया है या लेने वाला है या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके पास या लेने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बटन पर टैप करो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि सबकी जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा। हमारा नाम है अब्दुल रहमान। कैसी घटना हुई है? गाड़ी हम लोग चला रहे थे, जब हमारा छोटा वाला भाई चला रहा था तो एक ट्रक वाले ने बताया कि गाड़ी धुआं निकल रहा है। उसके बाद हम लोग ने खड़ी करके साइड में हो गए तो उसमें आग जो है ज़्यादा लगती गई, और आग इतनी ज़्यादा लग गई कि फिर हम लोग उसके सेल जो रहते हैं बैटरी के वो फटने लगे, तो फिर हम लोग दूर हो गए वहाँ से। इलेक्ट्रिक बाइक है ओला। अच्छा। हाँ, सबसे टॉप मॉडल 1,73,000 की। कितने समय पहले ली? ये 4 महीने पहले ली गई गाड़ी। नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ, धुआं निकलते निकलते सीधे आग पकड़ ली गाड़ी ने, उसके बाद बैटरी के जो सेल रहते हैं फटना चालू हो गए, तो फिर हम लोग दूर हो गए वहाँ से। ओनर से तो सुन लिया होगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी भी शेयर कर दो, फिर प्रिकॉशन की बात करते। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे, तो फ्री में होता है यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो प्रिकॉशन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी तो समर सीजन आ गया, एक समर टिप के ऊपर वीडियो बनी, वो जाके देख लेना। शॉर्ट में बता देता हूँ, गाड़ी को गर्मी में कभी भी फुल चार्ज मत करो, 92% या 94% इतना इनफ है, मे बी 95 के ऊपर कर लिया करो रेयरली, पर 100 मत जाने दिया करो। कितना भी इमरजेंसी आ जाए आप 100 चार्ज मत करो। गाड़ी अगर आप गर्मी में धूप में कभी भी कितना भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में चला रहे हो तो लगातार मत चलाओ। सपोज आपको जाना है 25 किलोमीटर, तो मैं सजेशन दूंगा कि 15-16 किलोमीटर में आप चाय का ब्रेक लेते हो ना, 10 मिनट वैसे कहीं रुक जाओ, इधर उधर टहल लो, फिर उसको 15-20 मिनट के बाद चलाओ। और नाइट में आप आराम से 40-50 किलोमीटर कंटिन्यू भी चलाओगे तो इशू नहीं आएगा, बट सुबह 10 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक का आपको ये प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ेगा। फुल चार्ज मत करना, गाड़ी को कंटिन्यू रनिंग मत करना, इसके वजह से मोटर बहुत जल्दी हीट हो जाता है। इवन आप गर्मी में धूप में चलाओगे गाड़ी और स्क्रीन को भी छूओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग देखने को मिलेगा। साथ ही में इसको स्पोर्ट मोड हाइपर मोड अवॉइड कर दो, घर से आधा घंटा जल्दी निकल जाओ आपको कहीं भी जाना है, बट लेट निकल के इसका स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड यूज़ मत करो, क्योंकि गर्मी में वैसे ही मोटर गर्म हो जाता है, बैटरी गर्म हो जाता है, पर से आप स्पोर्ट मोड हाइपर मोड लगाओगे तो गाड़ी में डैमेज आने के भी चांसेस है, इसकी बैटरी लाइफ भी कम होगी, मोटर लाइफ भी कम होगी, और गाड़ी में हीटिंग इशू 110% बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, ये जो गाड़ी है वो 3-4 महीने पुरानी है, तो उसमें पुराना मोटर सेटअप आता था। जेन 2 का जो नया मोटर है वो 1-2 महीने से डिलीवरी मिलना चालू हो गया। अब पुराना मोटर नया मोटर कैसा होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनी, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तब आपको पता चलेगा, तो सब्सक्राइब करके एक बार चैनल विजिट करना जेन 2 न्यू मोटर का, मेरी वीडियो टॉप पर आ जाएगी, आप देख लेना वहाँ पर नया मोटर पुराना मोटर में क्या फ़र्क है।
और मोटर वाले एरिया को जितना ज़्यादा हो सके उतना साफ रखने की कोशिश करना। इन सब प्रिकॉशन के बाद आपकी गाड़ी 85% चांस है कि आग ना लगे और कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद इसको टाइम टू टाइम सर्विस के लिए आपको खुद लेके जाना पड़ेगा कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ध्यान नहीं देगी ना आपको फ़ोन करेगी। बाकी आपकी गाड़ी आप जितना अच्छे से चलाओगे, जितना धीरे चलाओगे, जितना प्यार से, उतना सेफ रहेगी। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने ग्रुप में, फैमिली मेंबर में, किसी के साथ भी शेयर करना। ओला लेने का प्लान कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।